खट्टा है ये, थोड़ा सस्ता है यार। तू सो क्या है पूरे रास्ते में, अभी भी देख नींद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरा डे फोर था गोवा में और व्लॉग डे थर्ड है। और आप मेरी नोज देख के सोच रहे होंगे कि जोकर जैसी नोज कैसी हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैन हो गई है, ये फोरहेड बहुत ज्यादा टैन हो गया। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो देखो ऐसा कलर था, अभी ऐसा हो गया और बहुत ज्यादा जल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने बाथ नहीं लिया है क्योंकि हमें बीच पर जाना है और हम जाएंगे बागा बीच। बागा बीच इज वन ऑफ द मोस्ट 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 फेमस बीच ऑफ नॉर्थ गोवा। और वहां पे हम ना ड्रोन फ्लाई करके देखेंगे, हालांकि हम ड्रोन ना पहली बार उड़ा रहे हैं, अभी पता नहीं उड़ेगा या क्रैश होगा, गॉड नोस। और दीपक इज सेइंग कि हम साउथ गोवा उड़ाएंगे, मैं बोला नहीं यार, बागा बीच का लेना है। सो देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं मिलती हूँ आपको नीचे जाके। सो एक हैवी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है, और अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ और हमारे पास ना अभी स्कूटी नहीं है। सो अभी पहले स्कूटी लेंगे। होटल के बाहर खड़ा था एक स्कूटी वाला भैया, उसको पूछा है तो बोल रहा है एक दिन के लिए नहीं देते, दो दिन के लिए देते हैं, और एक दिन के लिए अगर लेनी है तो उतना ही लगेगा जितना दो दिन का लगता है। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ना यही होता है। भैया बोल रहे थे स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं ना, तो आप सिंक्वेरियम बीच से भी जाते हैं, यहाँ से अंदर से बोट लेके जाती और आपका जो सारा रोड ट्रिप ना जो 2.5 घंटे का था वो बच जाता। स्कूटी हमने लिए 300 रुपए पर डे के हिसाब से, 400 बोलते हैं पर 300 तक दे देते हैं, आपको छोटी से छोटी शॉप पर अल्कोहल और पेट्रोल मिल जाएगा। सो मैंने जो स्टे लिया है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, कैलंगुट में लिया, और कैलंगुट से बागा बीच का डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर का है और पहुंचने में लगेंगे करीब करीब 12 मिनट। जनरली हम 2-व्हीलर इसलिए चलाते हैं ताकि हम ट्रैफिक से बच जाएं, पर गोवा में ऐसा नहीं है। हम 2-व्हीलर सिर्फ इसलिए लेते हैं कि प्लीजेंट वेदर को हम फील कर सके, चारों तरफ वो जो हरियाली, ग्रीनरी, कोकोनट ट्री आपको दिखाई दे, उन्हें देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और यहाँ पर आपको स्कूटी ड्राइव करने में ना तो पॉल्यूशन लगेगा और ना ही धूप लगेगी, और आने वाला है बहुत मजा। स्कूटी पीछे पार्क कर दिया, पार्किंग जो है चार्जेबल है, और हम पहुंच गए हैं बागा बीच। और गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब अभी बजे हैं सुबह के 10 और धूप पूछो मत, और मेरी जो स्किन जल रही है ना, कांट एक्सप्लेन यू। तो बीच के बाहर ही ना आपको कुछ इस तरह की ना शॉप्स दिख जाएंगे, जहाँ से आप अपना कपड़ा और अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो खरीद सकते हो। इनके टाइम पे आपको इतनी रौनक नहीं दिखाई देगी जितनी रात के टाइम पे होती है, एकदम अच्छी सी थीम होती है, कपल्स बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। एक्चुअली ना मैं दिन के टाइम आपको दिखाने इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप देख सको कि बीच कैसा दिखाई देता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले ही देख रखा हो, बट एक्चुअली रात को ना उतना विजिबल नहीं होता। अभी देखते हैं ड्रोन का उड़ाएंगे। बिना सैंड जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ खेल लो, तुम सबसे सही रहोगे छाए में। देख यहाँ पे खेल लो, देख कितनी अच्छी छाया है ये, देख दोनों बैठ जाओ यहाँ पर। थोड़ा नहीं है बेटा, यहाँ धूप में बच जाओगे, वहाँ बहुत ज्यादा जल जाओगे, ये भी बात है ना। सो हमने बेड ले लिया 100 रुपीज में 1.5 घंटे के लिए, डबल बेड। सो यहाँ तैयारी चल रही है ड्रोन उड़ाने की। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम जो है ना मेमोरी कार्ड भूल के आ गए हैं घर पे, और इनकम्प्लीट मिशन हो गया। ये औरत पाइनएप्पल है, आदमी पाइनएप्पल खट्टा है, ये थोड़ा सस्ता है यार। आदमी पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा रहता है वो सस्ता मिलता है, औरत पाइनएप्पल थोड़ा महंगा रहता है इसलिए सस्ता मिलता है। बागा बीच उन बीचों में से एक है जहाँ आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, लाइक ये चेयर लेने का है, आराम से यहाँ लेटने का है, बीच में जाने का है, डुबकी मारने का है, फिर वापस आके लेट जाने का है। तो इस तरह से आपका सनबाथ का जो प्रोसेस है ना वो बहुत मस्त होता है एकदम। और यहाँ पर पीछे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आपको राइड्स करनी है तो टिकट आपको सामने से मिल जाएगी, राइड का जो चार्ज है 300 से शुरू होकर 2000 तक जाता है। सो गाइज, इट्स टाइम टू केयर माई हेयर नाउ, बिकॉज आप देख सकते हो बहुत बेकार हो गया है मेरे बाल। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने वाओ स्किन साइंस की ऑनियन रेंज यूज़ करनी स्टार्ट की है। तो ये वाओ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल कॉम एप्लीकेटर के साथ आता है, और इससे जो ऑयल है बहुत अच्छे से आपके बालों में लग जाता है और बिल्कुल रूट्स तक जाता है। ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बाकी अच्छे से नरिश भी करता है। अब मैं इसको थोड़ी देर रख कर हेयर वॉश कर लूँगी। सो गाइज, मैंने ना हेयर वॉश कर लिया है, और हेयर वॉश किया है मैंने वाओ स्किन साइंस के रेड ऑनियन ब्लैक सीड शैम्पू से। ये आपके हेयर को मॉइस्चराइजर रखता है और साथ साथ वीक
हेयर को भी स्ट्रेंथन करता है। सो वैसे ना हेयर वॉश करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ कंडीशनर, और मैं जो कंडीशनर लगाती हूँ वाउ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर। पर आज मैं कंडीशनर स्किप करके ना हेयर मास्क लगाऊंगी। ये मास्क है ना आपके हेयर को डीपली नरिश करता है एंड हेयर की स्ट्रेंथन को इम्प्रूव करता है और आपके हेयर को टूटने एंड फ्रिजी होने से हेल्प करता है। वाओ के सारे प्रोडक्ट ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हैं एंड वाओ एक इंडियन ब्रांड है, किसी भी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल का यूज नहीं। गाइस हमारा ड्रोन हम लेके जा रहे हैं बाहर उड़ाने के लिए। The sails in full of my own tide, yeah. There's a screaming in there that telling me to leave for a while. सो गाइज अभी मैं रेडी हो गई हूँ और ये वाली बटरफ्लाई बनवाई थी बीच पर और हम जा रहे हैं अभी आई गेस आई एम नॉट श्योर अगोड़ा फोर्ट। तो आपको रूम की हालत दिखाऊँ तो कुछ ऐसी हो चुकी है, ये बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। सेम टी शर्ट, सेम निकर, सेम चप्पल और सेम टैटू। From side to side to tell my travel. ये 4 बजने वाला है, पहले हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे। यहाँ की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है कैलंगूट। बिरयानी चिकन चिकन खाएगा ये। सो कैलंगूट पे ना अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो सब जगह बिरयानी 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 बिकती रहेगी। हमको टैक्सी वाले भैया ने बोला था कि आप कैलंगूट पे रुकोगे तो एक बार बिरयानी जरूर खाना और बहुत ही चीपर है, 100 रुपीज 80 रुपीज। सो लेट्स ट्राई समथिंग वेज। अभी टाइम लगेगा बेटा आ जाओ। और वो बड़ी सी एक हांडी रखी हुई है, बैठ जाओ, हमारी स्कूटी वो वाली है। तू सो के आया पूरे रास्ते में, अभी भी देख नींद। जल्दी आओ, नींद में आई है। स्कूटी हमने पार्क कर दी है, ये अगोड़ा फोर्ट है और वो लाइट हाउस है। ये टाइम पे टिकट मिल गया, इससे बढ़िया बात क्या होगी। गर्मी में नहीं तपना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे अगोड़ा फोर्ट घूमने के लिए तो दिन का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी थी और जल गए थे एकदम। तो अभी आराम से घूम पाएंगे और शाम के टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है। दीपक का गट्टू भी आ रहा है पीछे से। सो 25 रुपए का एंट्री चार्ज है, अगर स्कैन करके लोगे तो 20 रुपए का है। 9 to 5 के टाइमिंग है, बाकी अंदर लेके चलते। चलो स्टेयर्स पे ध्यान से चढ़ दो, चलो चढ़ जाओ भाग के चढ़ जाओ। जलन हो रही है ना? हाँ जल गए ना, चढ़ो। किले के ना चारों तरफ ना इसमें तेल भर देते थे और ताकि किले के अंदर कोई ना आ सके और फिसल फिसल के गिर जाए अगर किले में आने की कोशिश करे तो। और इधर भी है देखो, किसी भी किले में जाओगे ना आपको ऐसा मिलेगा, इसके अंदर तेल डालते थे। सो दो रास्ते गए, एक ऊपर और एक इधर, हम जा रहे हैं इधर। अभी तुम दिन में आते ना तो पता चलता कितनी गर्मी थी। अब इसकी नींद खुल गई, पहले से बहुत तेज नींद आ रही थी। टिराकोल फोर्ट का डिस्टेंस यहाँ से 45 किलोमीटर है, एलोरना फोर्ट का 40 किलोमीटर है और सारे ये वाले फोर्ट कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 4 मंजिल का पुर्तगाली लाइट हाउस है जो 1864 में बनाया गया था। पता है स्टार्टिंग में ना लाइट हाउस का उपयोग 7 मिनट में एक बार प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए यूज किया जाता था, हालांकि 1976 में अभी इसे बंद कर दिया गया है। मतलब बंद किया हुआ है। अच्छा बैड पार्ट मुझे पता है क्या लगता है, जिस भी किले में जाओ ना और किले के ना मैक्सिमम पार्ट ना बंद कर दिए होते हैं तो बड़ा अजीब लगता है यार। मतलब कितना अच्छा लगता है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना, एक्सप्लोर करना, पर देखने के लिए बस थोड़ा बहुत ही मिलता है, मैक्सिमम पार्ट्स ना हर किले के बंद ही हैं। तो ये मॉडल ऑफ अपर एंड लोअर फोर्ट ऑफ अगोड़ा। सो भैया टाइम, अभी नीचे उतरते हैं। किले के ना चारों तरफ ना समुंदर है और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे एक किला बना हुआ है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सारा समुंदर ही समुंदर है चारों तरफ। मॉम यहाँ की सारी हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री बताऊँ? किले का निर्माण 1612 में डच और मराठों से बचने के लिए किया गया था। उस समय यूरोप से आने वाले जहाजों के लिए एक ये बिंदु था। इसे अगवाड़ा नाम क्यों मिला? क्योंकि अगवाड़े का मतलब होता है पानी। किले के भीतर ताजा पानी निकलता है जो रुके हुए जहाजों को पानी की आपूर्ति करता था और यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज क्रू अपने ताजे पानी के भंडार को भरने के लिए यहाँ पर आते थे। पता है इसकी पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो है 23,76,000 गैलन और इस टाइम जो है ये पूरे एशिया में
सबसे बड़े ताजे पानी के भंडारों में से एक है। इधर बैठना कैन बी वेरी रिस्की बिकॉज नीचे जाके ना कुछ भी नहीं है। स्टेयर्स गई हुई है पर बंद है यार। जाना चाहते हो तो ये सारे फोर्ट आपको मिलेंगे, अलॉर्ना फोर्ट, कंजेनियम फोर्ट, एस्टेवान फोर्ट, ट्राइस मैंगोस। ये हिस्सा भी बंद है और यहाँ पर ना एक ऐसे आई गेस ये काफी ओल्ड सीनरी है, शायद पुर्तगालीज मेंशन है इस सीनरी पर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो दीवार बेसिकली अगर देखने में देखा जाए तो ये दीवार दिख रही है पर ये दीवार नहीं है, इसके अंदर से भी एक रास्ता गया है, तो इस दीवार की जो मोटाई है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अभी हम किले के चारों तरफ चक्कर पे चक्कर मारे जा रहे हैं क्योंकि इसका व्यू ना चारों तरफ से आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है, पानी भी साथ लेकर आएं और मेरी शक्ल पे ना जाएं क्योंकि बहुत बुरी तरह टैन हो चुकी है। लाइट हाउस में अंदर जाने का रास्ता है और ये जो स्टेयर्स है एकदम किले के फ्रंट से थी, इन वाली स्टेयर से अब हम नीचे जा रहे हैं। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई हो रही है, गट्टू कह रहा है कुत्ता झटका मार रहा है। भैया सो स्वीट बोल रहे हैं कि ना लोग इतनी दूर से आते हैं तो हम लोग ना मना नहीं करते हैं, तो 6 बजे बंद हो जाता है, वैसे फिर भी हम एंट्री टिकट दे देते हैं अगर कोई लेट हो जाता है तो। आई गेस अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो इनसाइड बिकॉज स्किन टैन क्यों ही करानी है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और किला उतना बड़ा तो है नहीं कि 20-25 मिनट में अच्छे से पूरा देखा जा सकता है। वो एक अलग बात है कि आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, फोटोग्राफ्स क्लिक कराना चाहते हो तो आप जितना मर्जी टाइम दो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। विधांश आप लंबे हो बेटा, आप पापा नहीं चला पाएंगे, ऐसा कह के हम इसको बेचारे को पीछे बिठा देते हैं क्योंकि वो तो मानने वाला है नहीं किसी की मजबूरी। ये गट्टू इतना चिल्ला के ना स्कूटी स्टार्ट होने से पहले ही फटाफट आगे भाग जाता है ताकि रिदांश आगे ना चढ़ जाए। अब हम जा रहे हैं इधर से खुफिया रास्ते से। तो स्कूटी लवर को मैं बता दूं कि स्कूटी इधर उधर रॉन्ग पार्क मत करना क्योंकि टो भी हो जाती है। तो ये ताज का स्पा और जिम है इधर से, और इधर ताज होटल है, ये सब ताज का ही दिख रहा है, और ये अगोड़ा का निचला वाला हिस्सा है, और ये है सारा सिंकेरियम बीच। ये बीच भी दूसरे बीच की तरह एकदम सुपर कूल है। Can't wait the sun to shine and lift the sails and follow my own tide, yeah. बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि गोवा इज नॉट अ सेफ प्लेस, बट मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी कि गोवा एक बहुत ही सेफ प्लेस है, वेदर यू आर कमिंग विथ फैमिली और विथ फ्रेंड्स और कपल भी आ रहे हो, तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई एक सिंगल बंदा नहीं देखा मैंने अपने ये 4 दिन के अंदर, और पहले भी मैं आके गई हूँ गोवा, कि कोई बंदा आउट ऑफ कंट्रोल है, लोग उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और वो टल्ली होकर इधर उधर गिर रहा है, इस टाइप वाली यहाँ चीज़ें नहीं होती हैं। सो फुल इंजॉय लोग करते हैं, करना भी चाहिए, ज़रूरी है। सो एक अलग ही कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और कल लेट्स सी कि कहाँ के लिए हम प्लान करेंगे। इनफैक्ट अभी यहाँ पर नियर बाय 4-5 ऐसे फोर्ट और हैं, सो हम लोग वही प्लान करेंगे, शाम को फोर्ट जाएंगे, और सुबह कहाँ जाएंगे, क्या प्लान करेंगे, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।